तालिबान एक ऐसा क्रूर संगठन जिसकी विचारधारा सिर्फ धार्मिक कट्टरता और नफरत से भरी हुई है। एक ऐसा संगठन जिसने कई बार अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए खून की होली खेली, कट्टरता के आधार पर लोगों के दिमाग से खेला और लोगों के जहन में अपनी विचारधारा ठूस ठूस के भरी, समाज को हैवानियत से भरी कैद खाने में तब्दील कर दिया, महिलाओं का जीवन बर्बाद कर दिया। और इसके उदय में बहुत बड़ा हाथ है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का, जहां मदरसे के संरक्षण में इस संगठन को तैयार किया गया। एक वक्त ऐसा भी था जब तालिबान अफगानिस्तान पर राज कर रहा था, पर जब इस आतंकी संगठन ने अमेरिका में 9/11 के हमले को अंजाम दिया तो फिर अमेरिका ने इस आतंकवादी संगठन को सबक सिखाने की ठानी। धीरे धीरे अमेरिका सेना ने वहां तालिबान की जड़ें काट दी और इनको न सिर्फ सत्ता से बेदखल कर दिया बल्कि अमेरिका सेना की एक बड़ी टुकड़ी ने वहां डेरा डाल दिया। ये सेना तालिबान की नापाक हरकतों पर लगातार नकेल कसती रही, कई बार खून की होली खेली गई, पर अब आखिरकार अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो चुका है, जिसमें यूएनएससी के सभी 15 सदस्यों ने अमेरिका द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को समर्थन किया है। इस समझौते के तहत जहां तालिबान के कई कैदियों को रिहा किया जाएगा तो वहीं अमेरिकी सैनिकों की संख्या को कम किया जाएगा। ऐसे में शांति बहाली की उम्मीद की जा सकती है। भारत के अमेरिका और अफगानिस्तान दोनों से अच्छे रिश्ते हैं, वहीं तालिबान के तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ऐसे में यह समझौता भू राजनीतिक और क्षेत्रीय शांति के लिहाज से कैसा साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं तालिबान की पिछले 2 दशक में अफगानिस्तान और अमेरिका के रिश्ते की, जानेंगे अमेरिका और तालिबान के समझौतों को और वैश्विक पटल पर इस पूरे घटनाक्रम को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका तालिबान शांति समझौते का समर्थन किया है। इस सिलसिले में सुरक्षा परिषद ने हाल ही में हुए समझौते का स्वागत करने वाले एक प्रस्ताव को आम सहमति से पारित कर दिया। इस बीच समझौते पर अमल करते हुए अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी की शुरुआत कर दी है। वहीं अफगानिस्तान सरकार ने भी शांति समझौते के प्रति लचीला रुख दिखाना शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका और तालिबान के बीच हाल ही में हुए समझौते का स्वागत करने वाले एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में शांति लाने और अमेरिकी सेना की वापसी के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच यह करार हुआ था। सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी और अस्थायी 15 सदस्यों ने अमेरिका की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को 10 मार्च को समर्थन किया। इस प्रस्ताव में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति और समझौते की संयुक्त घोषणा का समर्थन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की कार्यकारी उपस्थायी प्रतिनिधि चेरिथ नॉर्मन चालेट ने कहा कि इस प्रस्ताव में समर्थित बातें अफगानिस्तान में हमारे साझेदारों के समन्वय से तालिबान के साथ अमेरिका की 1 साल से अधिक समय तक चली अभूतपूर्व कूटनीतिक वार्ता का नतीजा है। अमेरिका का कहना है कि अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान में संघर्ष को खत्म करने और मानवाधिकारों में पिछले दशकों में की गई प्रगति को संरक्षित करने में इस ऐतिहासिक शांति समझौते के अवसर का लाभ उठाएंगे। साथ ही इस करार से राजनीतिक और सिविल प्रतिष्ठानों में महिलाओं की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित होगी। दुनिया को धमकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी फिर कभी अफगान के लोगों की सरजमीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस समझौते से ये भी मुमकिन होगा। जो अमेरिका और बाकी लोगों ने करनी है चीज़ें, वो स्पेसिफिक चीज़ें हैं और ये स्पेसिफिक चीज़ें हो रही हैं, तो एक लिहाज से वो एक कमज़ोरी भी दर्शाता है। एक लिहाज से वो जो आपकी लेवरेजेस हैं तालिबान के ऊपर, उनको आप झटाझट हटाते जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से चाहे वो सीज़फायर को लेकर के हो या जो वहाँ पर हरकतें हो रही हैं उनकी, उनमें कमी लाने की बात हो, उस पर तो उनके यहाँ से कोई पेशरफ नहीं हुई। ऊपर से उन्होंने कई तरीके से वाज़े कर दिया है कि हम जो हुकूमत बनेगी किसी अमीरात में,
तो अमीर एक ही हो सकता है, और अमीर वही है जो हमारा तालिबान का अमीर है। तो फिर डेमोक्रेसी का क्या हुआ, और वो जो तमाम चीज़ें उन्होंने आश्वासन दे रखी हैं उसका क्या हुआ, इस पर कोई बातचीत नहीं है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम अलकायदा और इस तरीके की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके साथ अपना नाता भी तोड़ लेंगे, या उनको अफगान ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उसमें क्या पेशरफ्त हुई, उस पर भी कोई एक एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अभी तक लगा हुआ है। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल ये एक कमज़ोरी भी दर्शाता है। इस बीच तालिबान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते को लेकर अफगानिस्तान की सरकार की ओर से भी नरम रुख सामने आ रहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि अगर हिंसा में कमी आ जाए तो 5,000 तालिबानी बंदियों को रिहा कर देंगे। अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में हुए शांति समझौते में कैदियों की रिहाई का जिक्र है। समझौते के बाद अशरफ गनी ने आतंकवादियों को रिहा करने से मना कर दिया था। रुख में बदलाव अशरफ गनी के फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद आया है। अफगानिस्तान सरकार की ओर से कहा गया है कि शांति का माहौल बनाए रखने के लिए शनिवार को 1500 तालिबानी कैदी रिहा किए जाएंगे, बाकी 3,500 कैदियों को शांति वार्ता शुरू करने के बाद रिहा किया जाएगा। हालांकि इसके लिए तालिबान को हमला बंद करना होगा। शनिवार को 1500 तालिबानी कैदियों को छोड़ने के बाद हर दो हफ्ते के भीतर 500 और कैदियों को रिहा किया जाएगा। अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते में अफगान सरकार पक्षकार नहीं है। अब अफगान सरकार और तालिबान के बीच सीधी बातचीत हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भरोसा जताया है कि जल्द ही अफगान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत शुरू होगी। अफगानिस्तान की सरकार जल्द ही वार्ताकारों की सूची तय करेगी। हुकूमत की प्रॉब्लम यह है कि अफगान हुकूमत जो है काफ़ी हद तक अमेरिका के ऊपर निर्भर है। वो ना सिर्फ सैन्य शक्ति के तहत निर्भर है लेकिन आर्थिक तौर पर भी उनके ऊपर निर्भर है। अफगानिस्तान की जो रियासत है उसको चलाने के लिए रियासत अपने ताई पैसा नहीं इकट्ठा कर सकती जिससे वो रियासत को चला सके या अपने फ़ौजों को मेंटेन कर सके। उसके लिए उसको अमेरिका की ज़रूरत है। अमेरिका से पैसा आता है जिससे फ़ौज को भी पैसा मिलता है। अमेरिका से जो साजो सामान आता है उसी से फ़ौज को लैस किया जाता है। तो अमेरिका बहुत सारी जो पावर है एक्सरसाइज करता है अफ़गान हुकूमत के ऊपर। तो उनके पास बेचारों के पास चारा क्या है, तो वो बीच बीच में थोड़ा बहुत अपनी नेगोशिएटिंग पोजिशन को बनाने की कोशिश करते हैं। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो अफगानिस्तान के दो ठिकानों से सैनिक वापस बुला रहा है। तालिबान के साथ शांति समझौते के मुताबिक अमेरिका धीरे धीरे अपने सारे सैनिक वापस बुलाएगा। हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह और हेरात के कैंप से अमेरिकी सैनिकों ने निकलना शुरू कर दिया है। हेलमंद ऐसी जगह है जहां तालिबान और अमेरिकी सैनिकों के बीच 18 वर्षों में कई बार खूनी संघर्ष हुए। अमेरिकी सैनिक अगले 14 महीनों में अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। जुलाई तक अमेरिकी सैनिकों की संख्या 13,000 से घटकर 8,600 हो जाएगी। जिस तरीके से या जिस स्पीड से ये काम हो रहा है शायद वो ये दर्शाता है कि अमेरिका जितनी जल्दी हो वहाँ से निकलने की बात कर रहा है। लेकिन ये समझौते में सारी चीज़ें तय पा गई हैं। दरअसल अमेरिका तालिबान के बीच जो शांति समझौता हुआ है वो शर्तों के अधीन है। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि समझौते का भविष्य तालिबान के रुख पर निर्भर करता है, जिसके लिए तालिबान को हिंसा बंद करनी होगी। हालांकि शांति समझौते के बाद भी तालिबान ने हमले किए। अमेरिका के मुताबिक 34 प्रांतों में से 32 में तालिबान ने हमले किए। इसके बाद अमेरिका ने तालिबान को कड़ी चेतावनी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका तालिबान के बीच 29 फरवरी को ऐतिहासिक समझौता हुआ था। कतर की राजधानी दोहा में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। आइए एक नजर डालते हैं इस शांति समझौते के मुख्य बिंदुओं पर। करीब 18 महीनों की लगातार बातचीत के बाद अमेरिका तालिबान शांति समझौते पर
कतर के दोहा में 29 फरवरी को हस्ताक्षर हुआ। इस मौके के अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, कतर में भारतीय राजदूत पी कुमारन, पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी समेत करीब 30 देशों के प्रतिनिधि गवाह बने। अमेरिका की शांति प्रतिनिधि जलमे खालिजाद और तालिबान के प्रतिनिधि मुल्ला अब्दुल गनी बारादर के बीच शांति समझौते पर मुहर लग गई। समझौते के मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद अपने सैनिकों की संख्या में धीरे धीरे कमी लाएगा। समझौते के तहत अमेरिका अगले 14 महीनों में अफगानिस्तान से अपने और सहयोगी देशों के सभी सैनिकों को वापस बुलाएगा। अफगानिस्तान में अभी अमेरिका के करीब 13,000 सैनिक हैं। पहले चरण में अगले कुछ महीनों में अफगानिस्तान में अमेरिका और सहयोगी देशों के सैनिकों की संख्या घटाकर 8600 पर लाई जाएगी। समझौते में शामिल अन्य शर्तें भी 135 दिन में पूरी कर ली जाएंगी। तालिबान आतंकी संगठन अलकायदा के साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ेगा और हिंसक गतिविधियों में भी शामिल नहीं होगा। तालिबान अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ अलकायदा और अन्य आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। अमेरिका और तालिबान के बीच में जो समझौता तय पाया गया था उसकी एक शर्त ये थी, और जो अमेरिका ने अपनी जो कमिटमेंट्स दी थी, एक तो ये था कि हम सैनिकों को निकालेंगे और उसकी एक समय सीमा तय की गई थी, वो लगभग 5,500 सैनिक जो हैं 135 दिन यानी कि लगभग 3.5-4 महीने में निकालेंगे, और फिर उसके बाद जो बाकी सारे 8,000-8,500 उनके सैनिक हैं उन सबको वो निकालेंगे उसके बाद 9-9.5 महीने में, और उसी के साथ साथ 5 जो उनके बेसेस हैं उनको अभी खाली करेंगे शुरू में, और बाकी सारे खाली करेंगे जब सारे सैनिक निकल जाएंगे। समझौते में प्रावधान किया गया है कि 10 मार्च तक अफगानिस्तान 5,000 तालिबानी कैदियों और तालिबान 1,000 कैदियों को छोड़ेगा। इसके बाद कैदियों को छोड़ने का काम बातचीत पर निर्भर करेगा। अमेरिका इस साल मई तक तालिबान के सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों से मुक्त कराएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो लोगों को पकड़ा गया है दोनों तरफ से उनकी रिहाई हो, और उसके अलावा फिर ये था कि हम सुरक्षा परिषद में जो तालिबान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी उनके नकलो हरकत के ऊपर, उनके साथ कोई डीलिंग रखने के ऊपर, वो तमाम जो सैंक्शंस थी हम उनको संयुक्त राष्ट्र में जाएंगे और उन सैंक्शंस को आपसे हटाने की बात करेंगे। तो ये उनका आश्वासन था। इसी के साथ साथ एक और ये था कि अमेरिका ने अपने तई अपने कानून के तई भी उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं कि अगली स्टेज में हम वो भी हटाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते का स्वागत किया। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध को खत्म करने और अमेरिकी सैनिकों को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भी अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया। उनका कहना है कि इससे अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता कायम करने में मदद मिलेगी और हिंसा खत्म होगी। इस समझौते से 2 दशक से युद्ध और हिंसा से जूझ रहे अफगानिस्तान में शांति की उम्मीद जगी है। शांति समझौते से अफगानिस्तान में अमन लौटने की संभावना है, हालांकि इसके लिए तालिबान को हिंसा पर काबू करना होगा। अमेरिका ने यह भी साफ किया कि अगर तालिबान सुरक्षा गारंटी से इनकार करता है और अफगानिस्तान की सरकार के साथ वार्ता की प्रतिबद्धता से पीछे हटता है तो अमेरिका उसके साथ ऐतिहासिक समझौते को खत्म कर देगा। अमेरिका की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त करने के लिए राजनीतिक समाधान की दिशा में ये करार पहला अहम कदम है। अमेरिका ने इस समझौते को शर्तों पर आधारित समझौता बताया है। अमेरिका तालिबान की गतिविधियों पर ये देखने के लिए करीब से नजर रख रहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 18 महीनों की लगातार वार्ता के बाद आखिरकार अमेरिका और तालिबान के बीच अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए समझौता हो गया। हालांकि इस समझौते को लेकर कई तरह की आशंकाएं भी हैं, मसलन ये शांति कितने समय तक कायम रहेगी, साथ ही इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक संबंधों पर कितना असर पड़ेगा,
भारत की सुरक्षा को इससे कितना खतरा हो सकता है? तालिबान फिर से अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा, इन तमाम तरह की आशंकाएं हैं। देखिए रिपोर्ट। अक्टूबर 2001 में तालिबान के खिलाफ जंग की शुरुआत करने वाले अमेरिका ने अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए तालिबान के साथ समझौता किया है। 19 साल तक चले इस लंबे संघर्ष में अमेरिका करीब 3,500 अपने सैनिकों को खो चुका है। तालिबान के साथ ये युद्ध अमेरिका के इतिहास में सबसे महंगा काउंटर टेररिज्म युद्ध साबित हुआ। अब इस समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी साल में ये जंग खत्म होती दिख रही है, लेकिन विदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अभी भी कुछ लोगों को संकोच जरूर है कि अगर तालिबान पूरी तरीके से काबिज हो जाए अफगानिस्तान के ऊपर, फिर अफगानिस्तान का क्या स्वरूप होगा? क्या ये 1990 के दशक वाला जो अफगानिस्तान था वो दोबारा से बन जाएगा, या तालिबान भी एक नए रूप में उभर करके आएंगे? अमेरिका और तालिबान के बीच संघर्ष पर विराम के साथ ही अफगानिस्तान में शांति की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि इससे अफगानिस्तान में लंबे समय से जारी हिंसा का दौर खत्म होगा, लेकिन विदेश मामलों के जानकारों की माने तो अफगानिस्तान में बात सिर्फ शांति की नहीं है, पाकिस्तान का अपना स्वार्थ है, साथ ही भारत के कारोबारी हितों के सवाल भी हैं। समझौते के बाद भू राजनीतिक रूप से अहम अफगानिस्तान में तालिबान के कदम पसारने का रास्ता भी खुल सकता है। दरअसल तालिबान के पाकिस्तान से करीबी संबंध हैं। ऐसे में अफगानिस्तान की जो नवनिर्वाचित सरकार भारत समर्थक मानी जाती है उसके अस्तित्व को खतरा होगा और भारत की कई विकास परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा पश्चिम एशिया में अपनी पहुंच को और मजबूत बनाने में सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्या तालिबान जो आस पड़ोस के देश हैं उनके लिए कोई खतरा बनेंगे? वो कहते तो हैं कि नहीं बनेंगे, लेकिन जब तक वो पावर में नहीं आते तब तक सब लोग यही देख रहे होंगे कि भाई अगला इनका मूव क्या होगा। तो जो जियोपॉलिटिक्स है वो इस पर डिपेंड करेगी काफी हद तक कि तालिबान क्या करेंगे। भारत पहले से ही अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की लागत से कई बड़ी परियोजनाएं पूरी कर चुका है और इनमें से कुछ पर अभी काम चल रहा है। भारत ने अब तक अफगानिस्तान को करीब 3 अरब डॉलर की मदद दी है, जिससे वहां संसद भवन, सड़कों और बांध आदि का निर्माण हुआ है। यही भारत की अफगानिस्तान में लोकप्रियता बढ़ने की वजह भी है। हालांकि भारत अभी भी वहां कई मानवीय और विकासशील परियोजनाओं पर काम कर रहा है। वहीं तालिबान अमेरिका शांति वार्ता को पाकिस्तान के लिए फायदे का सौदा माना जा रहा है। अमेरिका और तालिबान के बीच पाकिस्तानी सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने बिचौलिए का काम किया है। विशेषज्ञों की माने तो अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों के वापस जाते ही पाकिस्तान तालिबान की मदद से कश्मीर पर आतंकी घटनाओं को बढ़ा सकता है। तालिबान को अमेरिका के साथ बातचीत की मेज पर पाकिस्तान ही लेकर आया, क्योंकि वो अपने पड़ोस से अमेरिकी फौजों की जल्द वापसी चाहता है। जहां तक आंतरिक अफगानिस्तान की राजनीति है, उस पर भी तभी पता लगेगा क्या तालिबान जैसी जो तंजीम है वो किसी भी तरीके की जमहूरियत को एक्सेप्ट करेगी। दूसरी चीज़ ये कि आपकी कोई मोनोपोली नहीं होगी पावर में, हम भी पावर के लिए फाइट कर सकते हैं और उसका तरीका चुनाव होगा। तो क्या तालिबान चुनाव को मानेंगे या नहीं मानेंगे? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की जड़ें मजबूत होती हैं तो वहीं की मौजूदा सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तानी फौज तालिबान को सैन्य साजो सामान मुहैया करा सकती है। इससे भू राजनीतिक अस्थिरता के साथ ही ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। दो दशक से युद्ध और हिंसा से जूझ रहे अफगानिस्तान में अपने तालिबान और अमेरिका के बीच हुए समझौते से शांति की उम्मीद जगी है। इस शांति समझौते से जहां लोग खुश हैं और उन्हें देश में अमन लौटने की आशा है, वहीं
इसे लेकर संदेह भी है कि शांति लंबे समय तक कायम रहेगी या नहीं, क्योंकि 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान ने न केवल भारी बर्बरता की थी बल्कि अफगानिस्तान को आग में झोंक दिया था। आइए जानते हैं तालिबान की शुरुआत से लेकर अमेरिका से समझौते तक की पूरी कहानी को। करीब 2 दशक पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन पर अलकायदा के बड़े आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेरर का ऐलान करते हुए तालिबान के खिलाफ जंग के लिए अपने सैनिक अफगानिस्तान भेजे थे। तब अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था जिसे सिर्फ पाकिस्तान का समर्थन मिला हुआ था। अपने शासनकाल के दौरान तालिबान और उसके आकाओं ने अफगानिस्तान में बर्बरता और कट्टरता की एक ऐसी कहानी लिखी जिसने अफगानिस्तान को आग में झोंक दिया। तालिबान के उदय में पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का बड़ा हाथ है। 1979 से 1989 के दौरान जब तत्कालीन सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो बड़ी संख्या में युवा अफगानी छात्र वहां से भागकर पाकिस्तान के सुन्नी इस्लामिक मदरसों में आ गए। तब 1990 के दशक में अफगान छात्रों को भड़काकर ISI ने सोवियत नेताओं के खिलाफ तालिबान को जन्म दिया। दरअसल छात्र के लिए अरबी में तालिब शब्द का इस्तेमाल होता है और इसी से तालिबान बना। शुरुआती दौर में इसे सऊदी अरब समेत खाड़ी के कई देशों में पैसा मिलता था। पाकिस्तानियों ने एक तरफ तो अमेरिका के साथ दोस्ती की का ढोंग किया, दूसरी तरफ उन्होंने तालिबान को बचा के रखा, उनको रिवाइव किया, उनका समर्थन किया और फिर 2005-06 के आसपास उनको दोबारा से रीलॉन्च कर दिया अफगानिस्तान में। साल 1994 में तालिबान पहली बार अफगानिस्तान के पटल पर उभरा और अक्टूबर 1994 में उसने बिना लड़े कंधार शहर पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने तब पाकिस्तान की सीमा से लगे पश्तूनों के इलाके में शांति सुरक्षा बहाल करने का वादा करने के साथ ही सत्ता में आने पर शरिया कानून लागू करने और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का वादा किया था। इसके बाद सितंबर 1996 में तालिबान लड़ाकों ने तत्कालीन राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को बेदखल कर राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने सत्ता पर काबिज होते ही शरिया और इस्लामिक कानून को सख्ती से लागू किया। संगीत, टीवी और पतंग उड़ाने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए गए जबकि महिलाओं को काम करने के लिए रोक दिया गया। साथ ही लोगों को बेहद सख्त और क्रूर सजाएं दी गईं। शुरुआत में अधिकांश तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने के बाद इसका हिस्सा बने। साल 1998 तक अफगानिस्तान के करीब 90% हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो गया, लेकिन केवल सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान ने ही तालिबान शासन को मान्यता दी थी। मार्च 2001 में तालिबान ने मध्य बामिया घाटी में भगवान बुद्ध की 1500 साल पुरानी विशाल प्रतिमाओं को उड़ा दिया। धीरे धीरे करके 3-4 साल में तालिबान जो है लगभग सारे अफगानिस्तान के ऊपर काबिज हो गए। एक छोटी से एरिया को छोड़ के जो अहमद शाह मसूद कंट्रोल कर रहे थे पंजशीर वैली, उसको छोड़ करके बाकी सारे एरिया पे काबिज हो गए। लेकिन उसी समय फिर 9/11 हुआ और फिर जब अमेरिका बहादुर एंटर किया तो फिर वो जो नॉर्दर्न अलायंस था जो अहमद शाह मसूद के साथ बाकी कुछ लोग दोस्तम और इस टाइप के लोग अता नूर वगैरह वगैरह ये लोग जो मिल गए, फिर अमेरिका ने उनका समर्थन किया, उन्होंने तालिबान को खदेड़ा। जब तालिबान की सरकार को उड़ा दिया गया काबुल से और वो भाग गए तो वो सारे जाके पाकिस्तान में जाके उन्होंने शरण ली। साल 2001 में 11 सितंबर को न्यूयॉर्क में हुए आतंकी हमले के बाद तालिबान दुनिया की नजरों में आ गया। इस हमले के बाद अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू किया। अमेरिकी सेना ने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया। हालांकि तालिबान नेता मुल्ला उमर और अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन पकड़ा नहीं जा सका। दिसंबर 2001 में अमेरिका के सहयोग से हामिद करजई को
अफगानिस्तान का अंतरिम प्रशासनिक प्रमुख बनाया गया। वहीं साल 2004 में अफगानिस्तान का संविधान अस्तित्व में आया। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अफगानिस्तान ने अक्टूबर 2004 में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन किया। साल 2009 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद अफगानिस्तान में शांति बहाली की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के लिए अधिक संख्या में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की गई। मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेनाओं ने मार गिराया। फाइनली अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि भाई हम ये वॉर जीत तो सकते नहीं, हम हारे बेशक ना, लेकिन हम जीत नहीं सकते और हम फंसे हुए हैं यहाँ पर और यहाँ से निकलना बेहतर है। और कई पहले पेशकश हुई इसकी कि हम कैसे निकला जाए, क्या विड्रॉल स्ट्रैटेजी हो, लेकिन ट्रंप साहब के आने के बाद उसको एक 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 तरीके का और प्रोत्साहन मिला और वो बड़े क्लियर थे कि हम इसमें कोई फ़ायदा नहीं है हमारा यहाँ पर रहने का। और क्योंकि जो लोगों को तालिबान से खतरा है, जो खित्ते के देश हैं, वो अपना हिस्सा डालें, इसमें हम क्यों अपना हिस्सा डालें, ये उनकी जंग भी तो है, तो वो क्यों नहीं हिस्सा डालते। अब चीन या बाकी जो सारे देश हैं वो तो डबल गेम खेलते जा रहे थे सारा टाइम। तो अमेरिका बहादुर ने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और उसी के तहत अब ये समझौता हुआ। जून 2011 में राष्ट्रपति ओबामा ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की सीमित संख्या में वापसी का रोड मैप प्रस्तुत किया। जून 2013 में अफगानिस्तान सेना ने पूरी तरीके से सुरक्षा का उत्तरदायित्व ले लिया। इसके बाद से अमेरिकी सेना केवल सहयोगी के रूप में कार्य कर रही थी। जनवरी 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अफगान नीति के संदर्भ में मुख्य एजेंडा अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी पर रहा, जिसे अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।